जितनी अपेक्षाएं एक विकास विकसित तीर्थ के लिए होती हैं, सारी अपेक्षाएं यहाँ पूर्ण होगी। आप समझ क्यों नहीं पा रहे? सरकार से जितनी सरकार से मांग नहीं करेंगे, आदेश देंगे, यहाँ का मार्ग का चौड़ीकरण हो जाए, यहाँ धर्मशालाएं बनाई जाए, बालिका महाविद्यालय बनाया जाए, यहाँ यात्रियों के सुंदर सुंदर धर्मशालाएं हो, अच्छे हो, हनुमान जी के मंदिर का जितना संभव हो उतना जीर्णोद्धार हो सके हो जाए, और इसको रामायण सर्किट से जोड़ दिया जाए। जितनी अपेक्षाएं एक विकास विकसित तीर्थ के लिए होती हैं, सारी अपेक्षाएं यहाँ पूर्ण होगी। तो सरकार से सर क्या मांग करेंगे? आप समझ क्यों नहीं पा रहे? सरकार से जितनी सरकार से मांग नहीं करेंगे, आदेश देंगे, यहाँ यहाँ का मार्ग का चौड़ीकरण हो जाए, यहाँ धर्मशालाएं बनाई जाए, यहाँ बालिका महाविद्यालय बनाया जाए, यहाँ यात्रियों के सुंदर सुंदर धर्मशालाएं हो, अच्छे हो, और हनुमान जी के मंदिर का जितना संभव हो उतना जीर्णोद्धार हो सके हो जाए, और इसको रामायण सर्किट से जोड़ दिया जाए, अयोध्या सर्किट से। तो मैंने कहा ना कि विकसित तीर्थ के लिए जितनी अपेक्षाएं हो सकती हैं मौलिक अधिकार में, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। सनातन धर्म की बात जहाँ जहाँ की जाती है, जैसे अभी योगी जी ने एक नारा दिया है लोगों के बीच में जाके कि अगर बटोगे तो कटोगे, इसको लेके क्या कहेंगे? ठीक कहा योगी, हम ही लोगों की बात तो कही उसने। महाराज जी हमेशा आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म रक्षा की जीवन की बात करते हैं, लगातार आपको लगता है कि मौजूदा समय में हिंदुओं को जागरूक होने बहुत अच्छा जागरूक होंगे और सबको अधिकार मिलेगा। एक आखिरी सवाल, आप विश्व प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं, विधवा महावीरन में ही कथा करने का अभिप्राय है। आप जानते हैं हनुमान जी के सभी मंदिर तो पूजनीय हैं, सभी हनुमान जी पूजनीय हैं, पर रामायण जी संबद्ध सबसे प्राचीनतम स्थानीय है। कुछ आवश्यकताएं हैं वो जो पूरी की जाएंगी, जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ सबका स्पर्श सबका प्रवेश निषेध हो जाए, कोई मंदिर में हनुमान जी का स्पर्श न करे पुजारियों के अतिरिक्त, हम चाहते हैं। और एक सुंदर ट्रस्ट हो जिसमें हनुमान जी के भोगरा की व्यवस्था हो, प्रतिदिन रामचरितमानस जी का पाठ होता रहे, तो इससे तो मेरा बहुत लगाव है। विश्वा महावीर 1971 में मैंने पहली बार मंगल व्रत का उद्यापन यही किया था।